हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए टॉपिक, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट करंट डिवीजन रूल इन थ्री पैरेलल सर्किट। अगर हमारा तीन पैरेलल सर्किट दिया हुआ हो तो करंट डिवीजन रूल उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला बनता है, उसका डेरिवेशन क्या है, ये सारा चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। उस पर हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तो पहली बात जान लेते हैं कि पहले भी प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि करंट डिवीजन रूल कैसे सर्किट में अप्लाई होता है। तो अप्लाई इन, मैं पूरा बात लिखता हूँ कि अप्लाई इन पैरेलल सर्किट। अगर हमको करंट डिवीजन लगाना है तो ये कहाँ पर यूज होता है, पैरेलल सर्किट में यूज होता है। तो हम दो का करंट डिवीजन रूल इन दो टू पैरेलल सर्किट में देख चुके हैं, अब हम देखना चाहते हैं तीन में। तो एक हमको डायग्राम चाहिए, तो हम एक डायग्राम यहाँ पर हम फ्रेंड्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम इजी से समझेंगे इसको। ये वीडियो फ्रेंड्स एसएससी जेई के लिए 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, अपने स्टडी में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इसका मेंस होता है उसमें आपको डेरिवेशन भी पूछ सकता है, तो मैं ड्राइव भी करके इसलिए डेरिवेशन भी पार्ट लाया हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, ये मैंने एक वोल्टेज सोर्स दिया, तो क्लोज पाथ होने से सोर्स करंट फ्लो होगा, जो करंट R1, R2 और R3, मैंने रेजिस्टेंस लिया इन ओम, तो उसमें करंट डिवीजन हुआ, क्योंकि पैरेलल सर्किट है तो करंट डिवाइड हुआ इंडिविजुअल। तो हमको अगर I1 का इसमें अलग अलग I1 का मान, I2 का मान और I3 का मान निकालना है थ्री पैरेलल सर्किट बाय करंट डिवीजन रूल, तो कैसे निकालते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, किसी दो को पहले, जो हमारा बेस है, क्या हम दो दो सर्किट में हम करंट डिवीजन रूल जानते हैं, तो किसी दो रेजिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे, एक बना लेंगे, ठीक है। जैसे R2 और R3 को हम क्या कर लेते हैं, एक बना लेते हैं यहाँ भी, तो R2 पैरेलल विद R3 है फ्रेंड्स, तो R2 R3 बाय हम यहाँ लिख लेते हैं एक न्यू R4 जो आएगा ये दोनों के कम्बिनेशन से, तो R2 प्लस R3 आ जाएगा R4 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये नाम दे सकते हैं, तो मेरा ये टोटल आया दो गो का कम्बिनेशन से। अब जो दो कम्बिनेशन है वो पैरेलल है फिर किसके, R1 के, है ना फ्रेंड्स। तो हम नाम दे सकते हैं आर इक्विवेलेंट ऑफ, तो ये इसके पैरेलल में हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बात बोलो, हम दो का ही निकाल लेंगे, तो दो को अब हमारा कैसा सर्किट बन जाएगा, कुछ ऐसा अब सर्किट बन जाएगा फ्रेंड्स। ये हमारा R4 हो गया और ये हमारा I है और ये मेरा I1 है और ये मेरा I2 है और ये करंट हमारा वापसी करंट I है। तो हमको जो चाहिए, जैसे I1 में निकालना है, तो हमको जैसे I1 निकालना है, I1 करंट निकालना है, तो क्या जानते हैं कि टोटल करंट गुना जो करंट जिस ब्रांच में निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ I1 करंट ब्रांच का निकाल रहे हैं, तो उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को छोड़कर अदर रेजिस्टेंस हमारा कौन हो जाएगा, अदर रेजिस्टेंस हमारा R4 हो जाएगा, R4 बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R4 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर I1 बराबर क्या हो जाएगा, I गुना R4 हमारा क्या निकला है फ्रेंड्स, कि R2 गुना में R3 बाय R2 प्लस R3 यही निकला है।
तो ये यहाँ हम पुट कर सकते हैं कि आर टू गुना में आर थ्री बाय आर टू प्लस आर थ्री, रख सकते हैं बाय बाय आर वन प्लस, यहाँ भी रख सकते हैं क्या, आर टू आर थ्री बाय आर टू प्लस आर थ्री रख सकते हैं फ्रेंड्स। इस डाटा को जब हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। तो आप एलसीएम जब लोगे तो फ्रेंड्स अब हम आई वन बराबर लिख सकते हैं कि आई सॉरी फ्रेंड पेन पकड़ नहीं रहा, आई गुना हमारा क्या होगा आर टू आर थ्री बाय में आर वन प्लस आर थ्री बाय में, एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा हो जाएगा आर वन आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री बाय में आर वन प्लस आर थ्री, यही फ्रेंड्स हम यहाँ से एलसीएम लेके कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये गुना हो रहा है, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे इतना। तो ये इससे कट जाएगा फ्रेंड्स, कट जाएगा ना। तो हमारा जब कट गया फ्रेंड्स, तो हमारे देखो क्या बचा, अब बच रहा आई वन बराबर टोटल आई आर टू इंटू आर थ्री बाय, और क्या बच रहा है हमारा, यहाँ सॉल्व करना होगा तो आर वन आर टू प्लस आर वन आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री, ये बचेगा फ्रेंड्स, बचेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि आई वन हमारा निकल गया है, तो आई वन मेरा क्या निकला है कि टोटल करंट और अदर रेजिस्टेंस आर वन छोड़कर, अदर रेजिस्टेंस आर टू का गुना आर थ्री और टोटल रेजिस्टेंस सारा रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला बनता है। उसी तरह आप सिमिलर तब आप लिख सकते हो आई टू के लिए क्या लिखोगे, टोटल करंट आर टू छोड़ के निकालोगे दो रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा आर वन आर थ्री बाय आर वन आर टू प्लस आर वन आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री निकलेगा फ्रेंड्स। उसी तरह जब हम आई थ्री निकालना चाहेंगे तो टोटल करंट थ्री ब्रांच वाला रेजिस्टेंस छोड़ के आर टू आर वन बाय आर वन आर टू प्लस आर वन आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री, यही हो जाएगा हमारा क्या, सब हम करंट चाहे पैरेलल में दो का पूछे तीन का सर्किट दे के पूछे, अगर ब्रांच में करंट निकालने का, तो आप इस तरह से उसका डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेरिवेशन ये आपको समझ में आया होगा थ्री पैरेलल सर्किट का। तो अब अगर अगर आप एसएससी 2021 के लिए तैयारी करें फ्रेंड्स, तो मेंस में डेरिवेशन कभी कभी आ जाता है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक लाइक एक कमेंट और एक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ऐसे तरह वीडियो आपको आपके लिए मैं लाता रहूँगा डेरिवेशन वाला, कि आपका मेंस भी कंप्लीट हो, ठीक है फ्रेंड्स। मेंस के साथ साथ आप इस पे आपका थ्योरी भी ठोस हो जाएगा, पकड़ भी ठोस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर इस पे अगर क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे तो मैं इसके साथ ही क्वेश्चन भी आपको लाऊंगा लेके आऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक इतना ही।